गुड इवनिंग खन्ना। सर आप? अरे काय का सर यार, अरे सर तो तू है, एसी ग्रिल सोफा क्या स्टाइल है यार, सब इंस्पेक्टर हो तो तेरे जैसा। मैं एक उलझन के साथ तेरे पास आया हूं। अभी तक रुकावट सिंह का माल लूटने वाले का पता नहीं चला और 7 दिन में से 2 दिन गुजर गए और इसी 2 दिन में 2 खून हो चुके हैं। इसका मतलब 5 दिन में और 5 खून होने वाले हैं। मैं समझता हूं अगर ये 5 खून हो भी जाए तो ये 5 आदमी हैं कौन? तीसरा सुल्तान भाई, चौथा रुकावट से, पांचवा विश्वमोहन और छठा सुल्तान का भाई। लेकिन ये 7वें का पता नहीं चल रहा है यार। नहीं नहीं बे सर, मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? नहीं, मैं सोच रहा हूं कि अगर ऐसा हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है यार, तू तो एकदम सिक्योर्ड है। देख, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, बंगला है, ऐशो आराम है, तेरे बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जहां कमिश्नर साहब के बच्चे पढ़ने के सपने भी नहीं देख सकते। अगर तू चला भी जाता है तो क्या फर्क पड़ता है यार। सर मुझे बचा लीजिए, कुछ भी कीजिए प्लीज। सत्संग कर, सत्संग, सत्संग में बुरे ग्रह कट जाते हैं। सर कुछ भी कीजिए, मुझे बचा लीजिए सर, कुछ भी कीजिए प्लीज। तू किसी भी तरह विश्वमोहन को एकांत में बुला कर ला, वहां तुझे मैं पूरा आइडिया समझा दूंगा, तू बच जाएगा। ठीक है? ठीक है। अब मेरा क्या होगा? जैसा सर ने बोला वैसे ही ठीक रहेगा। विश्वमोहन जी, आपका खादिम आपकी ऐसी सेवा करना चाहता है जिसकी इस वक्त आपको सख्त जरूरत है। क्या मैं कुछ जान सकता हूँ? वो मैं आपको मिलकर ही बताऊंगा। आपको याद है ना हम पहली बार कहाँ मिले थे? मैं आपको उसी जगह मिलना चाहता हूँ जिस जगह हम मिले थे पहली बार, आज रात 12 बजे। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। ओके ओके। मेरी गाड़ी में कौन है? गाड़ी में? गाड़ी पीछे क्यों ले जा रहा है? गाड़ी में तो कोई नहीं था, हो सकता है रुकावट सिंह के आदमी हो। भागो, तुम्हारी गाड़ी पीछे क्यों जा रही है? तुम्हारी गाड़ी में तो कोई नहीं था। गोली मत चलाइए, पेट्रोल की बारिश है वरना आग लग जाएगी। गोली मत चलाओ वरना आग लग जाएगी। ओ तो असली गद्दार तुम हो। ये लफ्ज तुम्हारे मुंह में अच्छे नहीं लगते खन्ना, क्योंकि गद्दारी की जीती जागती मिसाल तो मेरे सामने खड़ा है। ऊपर वाले का इंसाफ बड़ा कमाल का होता है, वो हराम का पैसा किसी ना किसी तरह ले ही जाता है। देखना, तेरा बड़ा बेटा चरसी, दूसरा बेटा बीमार, जिसकी बीमारी का इलाज करते करते तेरी तिजोरी खाली हो जाएगी, लेकिन वो ठीक नहीं होगा। कभी तूने ये सोचा है कि अपनी बीमारी से तंग आकर अगर तेरा बेटा तुझसे ये पूछ ले कि पिताजी तुम्हारे गुनाहों की सजा हमें क्यों मिल रही है, तो तेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। शायद तुझे इस बात का यकीन है खन्ना कि तेरा बेटा तेरा परिचय समाज में बहुत फख्र से देगा कि मैं इंस्पेक्टर खन्ना एक रिश्वतखोर सिपाही का बेटा हूं जिसकी घूस की कमाई से हम हट्टे कट्टे जवान बने हैं, जिसकी घूस की कमाई से हमने शिक्षा पाई है, यहां तक कि हमारी मां की मांग का सिंदूर और मंगलसूत्र भी मेरे बाप की घूस की कमाई का है ना खन्ना? भाभी को जब इस बात का पता चलेगा तो वो क्या करेगी तू अच्छी तरह से जानता है खन्ना।
है ना, स्वर्ग भी यहां, नर्क भी यहां, पाप भी यहां, प्राश्चित भी यहां। कम से कम उन बेगुनाहों को समाज में सर उठाकर जीने के लिए कुछ तो मिसाल छोड़ के जा। कुछ याद आ रहा है विश्वमोहन? रात का वक्त, एक जावास पुलिस इंस्पेक्टर, पेट्रोल की बारिश। मुझे माफ कर दो ऑफिसर, खन्ना की तरह मुझे भी प्राश्चित का एक मौका दे दो, प्लीज प्लीज। भगवान भी प्राश्चित का एक मौका देता है, हम तो पुलिस वाले हैं। थैंक यू थैंक यू। मैं बच गया। मैं बच गया। ये ऑफिसर वापस क्यों है? भाईजान ये देखिए, इन सब के पीछे इंस्पेक्टर प्रशांत का हाथ है। रुकावर सिंह को फोन लगा। जी दिन की दोस्ती के लिए सर पर कफन बांध कर तो तू आ गया है, लेकिन ऐसा कौन सा सबूत लेकर आया है जो तुझे यहां से जिंदा वापस ले जाएगा? रुकावर सिंह, ये मत समझना कि मैं तुमसे डर गया हूं। मैं तो खाली तुम्हें यह बताने आया हूं कि हम सबको आपस में लड़वा कर मारने का प्लान किसी और का है। ये देखो। अरे इसमें तो विश्वमोहन जलता हुआ दिख रहा है। अरे गौर से देखो, गौर से। अरे बाप रे, इसमें तो इंस्पेक्टर भी खड़ा है। इंस्पेक्टर प्रशांत। समझ गया। वो इंस्पेक्टर प्रशांत अपने आप को इतना इंटेलिजेंट समझता है कि उसने हम जैसे चालाक आदमियों को चूना लगा दिया। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर प्रशांत, हम तुम्हारी जिंदगी में इतना बड़ा चूना लगाएंगे कि रुकावट सिंह को उस चूना लगाने में बिल्कुल खेद नहीं होगा। मिश्रा जी, बुलावा आया है, बड़े भैया ने आपको बुलाया है। तुम चलो, मैं आता हूँ। रुकावट सिंह के हुक्म को ब्रह्मा भी नहीं टाल सकता, तेरी औकात ही क्या है? चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ, वरना तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। अरे अंदर फट। चलो। बता क्या है उसकी कमजोरी, बता, सच का पता चल जाएगा। बता क्या है उसकी कमजोरी? तेरा तो बाप भी बताएगा, साला कहता नहीं बताएगा। अरे जब भगवान की भी कमजोरी होती है, वो तो सिर्फ एक इंसान है। अरे बता प्रशांत की क्या है कमजोरी? उसका माँ बाप बहन भाई जिसके जरिए उसे यहां बुलाया जा सके, जल्दी बता।